25 साल के हरियाणा के लड़के ने बॉलीवुड में काट दिया बवाल। जिन्होंने 15 साल में कभी नहीं देखा था सलमान का शो, आज सिर्फ एल्विस यादव की वजह से देव भी देख रहे हैं बिग बॉस। देसी छोरे की दीवानगी देखकर हिल गया बॉलीवुड। लोग कहने लगे, क्या सिस्टम है भाई। बिग बॉस का खेल, कोई पास तो कोई फेल। डूबते शो को सिर्फ एक बंदे ने सहारा दिया, बिगड़े हुए शो को उभारा। शो की टीआरपी में आ गया था क्रैक, अब इस लड़के ने शो को कर दिया हाईजैक। राव साहब के तेवर देख हैरान, घर के अंदर कर दिया सबको परेशान। जो शो सिर्फ सलमान खान के नाम से जाना जाता था, उसी शो को कर दिया था लोगों ने टैट फेस। सलमान जैसे सुपरस्टार के शो को भी पहले दिन दर्शक नहीं मिल रहे थे, लेकिन वीर शाह साहब के आने के बाद बिग बॉस का पूरा सिस्टम बदल गया। पुनीत सुपरस्टार के शो छोड़ने के बाद बिग बॉस लोगों के नापसंद बनते जा रहा था, लेकिन एक बंदे की एंट्री से बिग बॉस के घर का पूरा सिस्टम ही बदल गया। जी हाँ, एल्विस यादव के शो में आ जाने के बाद शो को एक नई जान मिल गई। आज पूरा सोशल मीडिया यादव जी द्वारा घर में बोले गए डायलॉग से पटा पड़ा है। एल्विस को हर कोई पसंद कर रहा है, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि एल्विस यादव कौन है, उसका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कितनी संपत्ति के मालिक है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हम आपको उनके बारे में हर वो चीज बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हरियाणा के रहने वाले 25 साल के फेमस यूट्यूबर टीवी के सबसे बड़े विवादित शो बिग बॉस ओटीटी में धमाल मचा रहे हैं। बिग बॉस के घर पे आते ही बवाल काटने वाले एल्विस यादव करोड़ों के मालिक हैं। टीवी स्टार से ज्यादा उनकी नेटवर्थ है। बिग बॉस ओटीटी में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर उन्होंने एंट्री ली। शो में हर कोई एल्विस यादव को पसंद कर रहा है। एक पॉपुलर यूट्यूबर है जो अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालकर छाए रहते हैं, हालांकि अब उन्होंने छोड़ दिया है। वो अब काफी हद तक ब्लॉग बनाते हैं। 14 करोड़ का आलीशान घर, लग्जरी कारों का काफिला। रिपोर्ट के मुताबिक एल्विस के पास हरियाणा के गुरुग्राम में करीब 14 करोड़ का 4 मंजिला आलीशान महल है, जिसकी झलक को अपने वीडियो में वो हमेशा दिखाते रहते हैं। इसके साथ ही एल्विस यादव के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं, जिसमें बॉक्सर और फॉर्चूनर भी शामिल है। वही बात अगर उनके नेटवर्थ की करें तो वो टीवी एक्टर्स को भी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। उनकी नेटवर्थ करीबन 50 करोड़ के करीब है। वहीं एल्विस यादव के यूट्यूब पर 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो उनकी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं। एल्विस यादव का जन्म 14 सितंबर 1997 को हरियाणा के गुड़गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी से की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। साल 2016 में यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया। कुछ ही वक्त में दर्शकों का काफी प्यार मिलने लगा। उनके 2 यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें एल्विस यादव ब्लॉग्स और एल्विस यादव शामिल है। 25 साल के यूट्यूबर शारदा फाउंडेशन भी चलाते हैं। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोथिंग के भी संपादक हैं। इंस्टाग्राम पर एल्विस यादव की 74 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है एल्विस यादव का बीजेपी कनेक्शन। आपको बता दें कि कई मौके पर एल्विस यादव को बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ देखा जाता है। यादव के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। उनका झुकाव किस तरफ है, ये उनके सोशल मीडिया से साफ जाहिर होता है। वहीं शो में एल्विस यादव की एंट्री के बाद से ही माहौल गरमाया हुआ है। यूट्यूबर ने आते ही 3 घरवालों को अपने निशाने पे ले लिया है। जिया शंकर, फलकनाथ, अविनाश सचदेव की खटिया खड़ी कर दी है। इन चारों के बीच आए दिन खटपट देखने को मिल रही थी। एल्विस और फलक के बीच भयंकर तूतूमैमे भी होती रहती थी। आप भी चाहते हैं कि अगर एल्विस यादव बिग बॉस का ताज जीते तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें।